नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ है प्रकाश पोहरे जी। महाराष्ट्र का अभी इलेक्शन खत्म हो गया है, पूरे देश का ध्यान लगा है महाराष्ट्र के इस रिजल्ट पे। और हम जानते हैं कि देखिए यूट्यूब से लेके सारे चैनल पे अभी एग्जिट पोल का आना शुरू हुआ है, सिर्फ दो दिन बचे हैं रिजल्ट के लिए। रिजल्ट का क्या असर होगा, किसका रिजल्ट आएगा, किसकी सत्ता यहाँ पे आएगी, ये देखना भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। हमारे साथ महाराष्ट्र के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पोहरे जी है। सर, क्या कहना चाहते हो, यहाँ पे बहुत सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कहाँ पे महाविकास आघाड़ी सत्ता बनाने जा रहे हैं, तो कहीं महायुति सत्ता बनाने के लिए जा रहे हैं। क्या लगता है एग्जैक्टली एग्जिट पोल क्या होगा? नहीं देखिए, एग्जिट पोल तो अभी कोई नई बात रही नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल के ऊपर कितना विश्वास रखे, क्योंकि जो लोग एग्जिट पोल देते हैं वो महाराष्ट्र के बाहर से देने वाले ज्यादा लोग हैं, जिनको ग्राउंड रियलिटी कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो नेचुरली वो अपने इधर उधर से कुछ ये करके अभी और उसके बाद में एआई की मदद से वगैरह कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सारे एग्जिट पोल के जो अंदाज और आंकड़े रहते हैं वो सारे फेल होते हैं। अपने देखिए, कई बार हरियाणा का देखिए या इसके पहले भी पार्लियामेंट इलेक्शन का जब देखिए, तो उसके बाद में मैं आपको एक बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए एग्जिट पोल देने के पहले अपने को ये सोचना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर्स हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे इलेक्शन के हिसाब से। तो अगर फैक्टर ध्यान में रखे तो हम लोग पहले आते हैं महायुति के ऊपर, यानी बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार का जो गठबंधन है, तो उसके ऊपर आते हैं कि उनके खिलाफ में जाने वाले कौन से फैक्टर है। तो उनके खिलाफ में जाने वाले फैक्टर अगर हमको देखना है तो देखना पड़ेगा कि सबसे पहली बात, ये राज्य का जो किसान है बहुत ज़्यादा नाराज है, क्योंकि 2022-23-24 दो तीन साल से जो कृषि उपज के जो भाव है, फिर उसके अंदर सोयाबीन होगा, कपास होगा, चना होगा, अरहर होगी, तो इसके जो दाम मिल रहे हैं वो 2011-12 में जो भाव थे वो मिल रहे हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस सर उनके लोगों ने, जिसके अंदर पंकजा मुंडे भी थी, पाशा पटेल वगैरह भी थे, तो उन्होंने पूरा का पूरा एक मार्च निकाला था और उसके अंदर वो बोल रहे थे 2012 में, तो आपको पता है उनकी सत्ता नहीं थी, तो उस समय पे वो बोल रहे थे कि देखिए सोयाबीन को तो जो है अभी 4000 रुपये भाव मिलता है, लेकिन वो कम से कम 6000 मिलना चाहिए, कपास को 6000 भाव मिल रहा है, वो कम से कम 10000 किसानों को मिलना चाहिए, हमारी सत्ता आने दो, हम निश्चित रूप से ये भाव देंगे। लेकिन अभी देखिए 2012-13 में, यानी अभी 2024 हो चल रहा है, यानी 11-12 साल हो गए हैं, जो भाव 2012 में थे वो भाव आज 12 साल होने के बाद में भी 2024 में नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उससे कम मिल रहे हैं। सोयाबीन 3500 रुपये में बिक रहा है, कपास 6000 में बिक रही है, जो 12 से 14000 रुपये तक के बिकी थी हमारी बीच में। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो खेती को लगने वाला खर्चा है वो खर्चा तो भयंकर बढ़ गया है, यानी आप खाद लीजिए, आप सीड लीजिए, आप कीटनाशक ले लीजिए, खेती को लगने वाले जो भी बाकी के भी जो ये रहते हैं, यानी खेती का पानी का पंप बोलो या मोटरसाइकिल किसान को लगती है उसके दाम देखिए, पाइपलाइन लगती है उसका दाम देखो, केबल वगैरह सभी चीज़ें लगती है, किसान को क्या नहीं लगता साहब खेती करने के लिए, तो सारे चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। ऊपर से सरकार ने उसके ऊपर GST लगा दी है, ट्रैक्टर के ऊपर, खेती के जो भी औजार टायर वगैरह रहते उसके ऊपर कभी GST कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अभी उसके ऊपर भी भयंकर टैक्स लग गया है। तो ये एक उनके खिलाफ में जाने वाला भयंकर मुद्दा है, और इसके अंदर 99% नहीं है, 100% किसान इनके खिलाफ में गए हैं, ये की पहली बात ये समझने लायक। और किसान जो है करीब करीब 60-70% है ये देश का, ये हमारे राज्य के अंदर। दूसरा जो है इसके अंदर का, ये जो महायुति जो बनी है, ये जो पार्टियां फोड़ के बनी है, वो पार्टियां जो फोड़ी, जिस तरीके से फोड़ी गई है वो लोगों को पसंद नहीं आया है, वही पार्टियां फोड़ी है, वही लोगों को पार्टी में लिया है, जिनके ऊपर यही बीजेपी वालों ने बड़े बड़े आरोप किए थे कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम ये सब लोगों को जेल में भेजेंगे, चक्की पीसिंग करेंगे, तो उन्हीं लोगों को इन्होंने सारे के सारे सत्ता में लिया है, तो लोगों को ये बातें कुछ जची नहीं है। और पार्टियां फोड़ने का जो तरीका था, शिवसेना जिस तरीके से फोड़ी है, उसके बाद में वो उद्धव ठाकरे का बाप भी ले लिया, उसका धनुष भी ले लिया, नाम भी ले लिया पार्टी का, तो ये लोगों को जची नहीं। और जिस तरीके से फोड़ी, हाँ ठीक है, भाजपा के काम अच्छे रहते थे, तो मोदी जी का बहुत अच्छा उनको लगता था, और उसके बाद में उनका ये देख के अगर वो जाते थे तो समझ सकते थे, लेकिन 50 खोके एकदम ओके वाला किस्सा सब आपको मालूम है, उसके ऊपर आपका मैं समय नहीं गमाऊंगा। तो वो एक तरीके से जो पार्टी, और उसके बाद में उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस फोड़ी, अजीत पवार को जिस तरीके से, जिसको बोले थे कि भाई इसका बड़ा घोटाला है, चक्की पीसिंग करेंगे, 70,000 करोड़ का घोटाला मोदी जी बोलते तीसरे दिन पार्टी में लेते हैं, तो ये सारी बातें लोगों को जचती नहीं है। महाराष्ट्र ये कोई बिहार नहीं है, पहली बात एक समझना चाहिए यहाँ पे। तो ये विषय था,
और दूसरी बात में इन्होंने जहां जिस तरीके से हिंदू मुसलमान कटेंगे तो पटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वगैरह जो बातें करी, ये महाराष्ट्र में नहीं चलते साहब। महाराष्ट्र ये कल्चर स्टेट है। तो एक हालांकि हमारे यहाँ पे जो गंगा जमनी तहजीब है इसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान वगैरह ऐसे कोई ये नहीं है, एक ही मोहल्ले में एक ही थाली में कभी खाते हैं, वो हमारे शादी में आते हैं, हम उनके शादी में जाते हैं, वो हमारे गणपति में आते। तो ये बातें लोगों को जचती नहीं है पहली बात तो। उसके बाद में इन्होंने जिस तरीके से सारे भ्रष्टाचारियों को साथ में लिया जिन जिन के ऊपर आरोप किए थे, उसके बाद में दूसरा ये है इन्होंने जो आपस के अंदर आपस में जो इन्होंने जैसे पवार शरद पवार अजीत पवार ने इनके खिलाफ में कोई कैंडिडेट खड़े कर दिए, देवेंद्र फडणवीस ने यानी बीजेपी ने उनके खिलाफ में कुछ कैंडिडेट यानी जो बोलते हैं ना उसको बंडखोर तो रिबेल्स, तो ये जिस तरीके से खड़े कर दिए आपस में ही, शिंदे ने इनके खिलाफ कर दिए, इन्होंने शिंदे के खिलाफ में कर दिया, एक में कोई काटने के खिलाफ में ये लगे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि अगर उनके वोट उनके सीटें ज़्यादा आती है तो फिर उनको सत्ता में स्थान देना पड़ेगा, ये कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो है ये इनके बहुत यानी खिलाफ में जाने वाली है। उसके बाद में देखिए करीब करीब 20 से 22 बड़े बड़े प्रकल्प जो है महाराष्ट्र के वो गुजरात को लेके चले गए। मेरा बोलना है गुजरात का उन्होंने वैसे विकास करते तो किसका कहना नहीं था। आप अगर नहीं कोई प्रोजेक्ट है वो वहाँ खड़े करते हैं, वहाँ पे कुछ फॉरेन ये बुलाते हैं इन्वेस्टमेंट बुलाते हैं तो वो बात अलग है ना। लेकिन जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में ऑलरेडी आए थे, फॉक्सकॉन है या फिर टाटा एयरबस है या फिर हमारे महाराष्ट्र की जितने भी पोर्ट है उसके अंदर JNPT होगा, उसके अंदर बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट होगा या उस तरीके से JNPT है, ये सारे नहवा शेवा पोर्ट है, तो ये जो लेके गए बंद कर दिए उसका कारोबार। उसके बाद में हीरे का व्यापार है, कपड़े का व्यापार है, ये सारे के सारे वो वहाँ लेके गए। करीब करीब 20-25 प्रोजेक्ट वो गुजरात में लेके चले गए जिसके कारण महाराष्ट्र में नहीं बोले जाए तो भी 5-10 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आनी थी, 2-4-5 लाख लोगों को यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ लग सकती थी। तो ये सारी बातें जो है लोगों को जश नहीं रही है। और उसके बाद में दूसरी बात एक बात ध्यान में रखी कि इन्होंने जो कर्जा कर दिया जो 2012-13 में हमारे राज्य के ऊपर करीब करीब 55,000 करोड़ का कर्जा था, वो कर्जा आज करीब करीब 9 लाख करोड़ रुपए का हो गया। और कर्जा किस लिए लिया? तो जो प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं थी क्योंकि, और वो क्यों किया? क्योंकि प्रोजेक्ट देना है तो ठेके में देना है, ठेके से दिया तो उससे पैसा खाने को मिलेगा, तिजोरी में हाथ डाल के तो पैसा नहीं खा सकते। लेकिन उसके कारण 9 लाख करोड़ का कर्जा जो स्टेट का एनुअल बजट जो है 4 लाख करोड़ का है उसको 9 लाख करोड़ का कर्जा करवा देना, 55,000 करोड़ का कर्जा 2012 में था, 2012 में था। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा ज़्यादा इनके खिलाफ में जाती है। और सबसे और बात एक भी है कि जो आदमी मुख्यमंत्री बना, हालांकि उनको तो मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस नहीं था, वो ये मुख्यमंत्री बनना था तो पहला चांस था गोपीनाथ मुंडे का, बाद में था एकनाथ शिंदे का, खड़से जी का। तो ये सारे के सारे जो थे उनको बाजू में करके इन्होंने जिस तरीके से बने, लेकिन उसके बाद में जो भाषा जिस तरीके से आक्रस्ताड़ेपना इन्होंने जो किया है ये सारा का सारा लोगों को जचा नहीं है, ये इनके खिलाफ में जाने वाले मुद्दे हैं। हाँ, उनके फेवर में भी जाने वाले कुछ मुद्दे हैं। वो एक तो उसके अंदर से सबसे बड़ा अभी इन्होंने 3-4 महीने में जो किया है लाली बहना को जो इन्होंने पैसे दिए है, वो अभी कुछ हद के ग्रामीण में तो नहीं लेकिन शहरी विभाग के अंदर इसका ये असर होगा, रस्ते विकास का भी एक थोड़ा सा असर पड़ेगा, रस्ते वस्ते ठीक हो गए इसके बारे में डाउट नहीं है, लेकिन वो केंद्र सरकार के माध्यम से हुए है। ये सिर्फ समृद्धि महामार्ग अभी हम लोग जिससे चल रहे हैं वो समृद्धि महामार्ग इन्होंने बनाया 75,000 करोड़ का, लेकिन हालांकि इस प्रोजेक्ट की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हमको जाने के लिए तो मुंबई आने के लिए 2 रास्ते ऑलरेडी है, नागपुर से अमरावती मूर्तियापुर अकोला होकर उसके बाद में नागपुर से वर्धा वगैरह जाने वाला दूसरा रास्ता है। ये सारी रास्ते होने के बाद में जिस तरीके से इन्होंने एक पैसा खर्चा किया और पैसे का जो नदिया बही है ये इलेक्शन के अंदर, तो ये एक फेवर में जाने वाली बातें हैं, इनके 2-4 बातें फेवर में जाने वाली भी है, यानी वोट क्यों मिलेंगे भाई? नहीं तो मैंने तो बताया ज़्यादातर तो इनके जो है वो ऐसे है कि इनके खिलाफ में जाने वाले मुद्दे ज़्यादा है, तो ये एक सोचना पड़ेगा। अभी रही बात महाविकास आघाड़ी की, तो उसके बारे में मैं आपको बोलूँगा कि महाविकास आघाड़ी के फेवर में जाने वाली बातें क्या क्या है ये पहले आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा है कि सबसे मेन बात तो एंटी इनकमबेंसी हमको देखना पड़ेगा, पिछले करीब करीब 7.5 साल से इनकी सत्ता है और जो इन्होंने बोला था उसमें से कोई ज़्यादा हुआ नहीं है। और दूसरी बात जिस तरीके से पार्टियाँ तोड़ी तो एक जो सहानुभूति है, सहानुभूति के लाट इनके फेवर में आ गई है, पवार साहब के फेवर में आ गई है,
उद्धव ठाकरे के फेवर में आ रही है, और ये साफ दिखता है कि जिस तरीके से उनके सभाओं में पब्लिक भीड़ आ जाती है, उमड़ जाती है, और जो लोग तालियां बजाते हैं उसके अंदर, तो दिख जाता है कि ये पब्लिक जो है ये कोई पैसे दे के लाई हुई पब्लिक है ही नहीं है। तो ये दो तीन बातें हैं। उसके बाद में इनका जो आपस में जो ये है समन्वय बिल्कुल नहीं है, जैसा महायुति का, तो वही तरीके से इनमें काफ़ी अच्छा आपस में समझदारी है, समन्वय है। शरद पवार बोलो, बाला साहब थोरात बोलो, या उद्धव ठाकरे बोलो, ये इनका आपस में तालमेल बड़ा अच्छा है। जो सीट बंटवारा भी हुआ है बहुत अच्छी तरह से बैलेंसली सीट बंटवारा हुआ है, ये ऐसा बिल्कुल बोलना चाहिए। राहुल गांधी ने भी जो ये किया है, जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो इन्होंने यात्रा की, उसके तरफ से जो राहुल गांधी की इमेज लोगों को समझ में आई, तो ये कुछ बातें हैं। शरद पवार का देखिए ना कितना बड़ा वजूद है महाराष्ट्र में, तो ये सारी बातें इनके फेवर में जाने वाली है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि ये जो इसमें मुकाबला जो है वो, मुझे ऐसा पहले लगता था कि कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन अभी ये जो भी वोटिंग वगैरह जो कुछ भी मैंने इसका ये लगाया, तो उसके ऊपर से मुझे लगता है कि ये आएंगे अभी महाविकास आघाड़ी आएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल आपने इतने सालों से इलेक्शन देख रहे, इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा पैसा बांटा है, आपने खुद देखा है कि विनोद तावड़े जी को भी पैसा बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ था, क्या लगता है इस पैसे बांटने का कोई असर होगा, या लाली बहन का जो असर होगा, या फिर महायुति को कोई इसका कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? देखिए बेनिफिट तो मिलेगा ही, क्योंकि ऐसा है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर इनका करीब करीब सुपड़ा साफ हो गया था, जो पार्टी को 41 सीटें एक जमाने में मिली थी उनको अभी 17 सीटें केवल पार्लियामेंट इलेक्शन में मिली है, तो उसका अगर एकंदर ही देखते जाए तो वैसे तो इनका इसमें भी सुपड़ा साफ होना चाहिए था, लेकिन मैंने जो बताया कि ये लाडली बहन वगैरह का जो असर है उसका थोड़ा बहुत से फर्क पड़ेगा, और जो उसमें इनका जो इलेक्शन कैंपेन वगैरह के अंदर जो इन्होंने पैसा बहाया है बिल्कुल पानी के जैसा, उसका थोड़ा असर गिरेगा। मैं आपको आंकड़े भरी बताता हूँ इसके बारे में। देखिए ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर 288 सीट है कुल मिला के, तो 288 विधानसभा की सीट है, पार्लियामेंट सीट है करीब करीब 48, तो इसका अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको दिखता है कि करीब करीब एवरेज 6 होती है, तो अभी 6 में अगर आप डिवाइड करेंगे तो महाविकास आघाड़ी के पास में 30 सीटें आई है इनकी पूरी की पूरी, और 30 सीटों के अंदर एक सीट निर्दलीय वो भी इन्हीं के फेवर की है, तो 31 सीटें इंटू अगर 6 करें आप हर एक का तो 186 का आंकड़ा बैठता है, लेकिन हम बोलते कि चलो 6 मत पकड़ो 5 पकड़ो, तो 5 भी पकड़े तो 155 सीटें इनके फेवर में वैसी ही जाती है जिस तरीके से ये आ गए है। और उसके बाद में उनके पास में 17 सीटें मिली हुई है उनको, तो 17 सीटों के अंदर अगर 5 भी पकड़े तो उनको 85 सीटों से, और 6 पकड़े तो करीब करीब 100 सीटें उनके आने का चांस है। तो इस तरीके से अगर देखे जाए तो मैं आपको एक बताता हूँ कि कांग्रेस करीब करीब 101 सीटों पे लड़ रही है, तो उनको 60 से 70 सीटें मिलेंगी, क्योंकि थोड़ा सीट बांटने में उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, और जरा उनका जो बैलेंस होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ, इसलिए सीट थोड़ी कम मिलेंगी, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम रहेगा। उद्धव बाला साहब ठाकरे का भी जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा सा उसी तरीके से थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि उनके जो सीट थे वो बढ़ गए हैं, शिंदे सेना में उसके सीट बढ़ गए हैं, तो इसलिए वो 50 से 55 सीटों पर आएंगे, 95 सीटें वो लड़ रहे हैं कुरुवेल। और जो शरद पवार की जो पार्टी वो 86 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन उनके भी 50 से 55 आएंगे, क्योंकि उन्होंने सीटें बांटते वक्त बहुत सोच समझ के बांटी है, और लोकसभा के अंदर का उनका जो स्ट्राइक रेट था वो हमको जरूर से ध्यान लेना चाहिए, तो उसके अंदर उनका स्ट्राइक रेट था करीब करीब आपको पता है कि 10 सीटें उन्होंने खड़ी करी थी, 8 आ गए, 80 का स्ट्राइक रेट उनका था, तो वो हिसाब से मैं ऐसा समझता हूँ कि 160 से 180 सीटें ये महाविकास आघाड़ी की आनी ही चाहिए, महाविकास आघाड़ी की ऐसा मुझे लगता है, और वह सत्ता स्थापन करेंगे। फिर आप मुझे पूछेंगे कि फिर महायुति की क्या परिस्थिति रहेंगी, तो मैंने जैसा आपको बताया महायुति के अंदर करीब करीब 17 के ऊपर अगर 5 पकड़े तो 85 और 6 पकड़े तो 100, तो इनको 85 से 100 सीटें मिलना चाहिए ऐसा मुझे अंदाज है, लेकिन बीजेपी नहीं है महायुति को, यानी तीनों पार्टियों को, फिर भी उसके बावजूद भी मैं आपको बताता हूँ कि भाजपा 153 सीट्स के ऊपर लड़ रही है 153 सीटों के, तो उसमें वो 60 से 65 सीटें उनको मिलेगी, शिंदे सेना जो है वो 85 सीटों पे लड़ रही है तो उसमें से 30 से 35 सीटें उनकी आएंगी, क्योंकि उनके सीटों में बंटवारा बहुत हुआ है,
उद्धव बाला साहब ठाकरे को जो सहानुभूति गए है, जो ये इनका फेवर में गए हैं लोग, तो इसलिए थोड़ा उनको उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा, इसलिए 30-35 सीटें उनके आएंगे। और अजीत पवार का 55 ही सीटें वो लड़ रहे हैं, उनको मिली है, तो उसके अंदर 15 सीटें भी बोलो तो मैं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 15 सीटें तक के उनके आ जाएंगी, क्योंकि शरद पवार के फेवर में बहुत ज़्यादा ये हो गया और वो उन्हीं एरिया में लड़ रहे हैं, तो इसलिए 15 सीटें उनकी आ जाएंगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनकी 100 से 120 सीटें सही मायने में आना चाहिए। अभी इसको जो असर करने वाली जो चीज़ें है वो रहने वाली है, ये मैंने जैसा बताया लाडली बहना वगैरह जो है पैसे की, जो इन्होंने भयंकर ज़्यादा पंपिंग करा है हर स्टेशन के अंदर। अब लेकिन ये महाराष्ट्र में एक नारा और भी गूंजा है, एक बात ध्यान में रखिए, एक इसने बोला था, एक उम्मीदवार ने मुझसे बोलते हुए ये बोला था कि साहब पिछले महीने भर से मैंने करीब करीब 25,000 किलो मटन अभी तक के लोगों को खिलाया है। अब 25,000 किलो मटन 1,000 रुपये किलो भी अगर पूरा पकड़े एवरेज में, क्योंकि 700 किलो तो बाजार में कच्चा मटन मिलता है, तो 1,000 से 2.5 करोड़ रुपए का तो मटन ही बांटा है उसने। तो इस तरीके से सारे जो चीज़ें चल रही है, पैसे की नदियां बह रही है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखती हुए और जो एकंदरीत खर्चा वगैरह इन्होंने किया है, और उसके बाद में जो इलेक्शन मैनेजमेंट का विषय जो है, इनकी जो सभाएं हुई राहुल गांधी की है, उसके बाद में शरद पवार की सभा है, उद्धव ठाकरे की सभा है, बड़ी भीड़ आ रही थी, मोदी की सभाएं में आदमी नहीं थे, कई सभाओं में हमने देखे कुर्सियां खाली थी। योगी आदित्यनाथ ने भी जो यहाँ के राव अलापा बटेंगे तो कटेंगे वगैरह, वो हमको रास नहीं आए हैं महाराष्ट्र के लोगों को ज्यादातर के। सबसे बड़ी बात है कि बारामती जब आपने निकाला, आप शरद पवार जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आप उनके साथ उठे बैठे हो, सबसे बड़ी बात है बारामती का जो इलेक्शन हो रहा है, बारामती के इलेक्शन में देखा जाए तो युगेंद्र पवार वर्सेस यहाँ पे अजीत पवार है, क्या लगता है इस दोनों के लड़ाई को पूरा देश देखना चाहता है, क्या उसका अंदाजा होगा अजीत पवार है युगेंद्र पवार? देखिए ये तो अजीत पवार के लिए जीने मरने का प्रश्न है, इसके अंदर अगर अजीत पवार अगर वहाँ हार जाते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर पूरा खत्म हो जाएगा, एक बात तो बिल्कुल साफ है, लेकिन अभी देखने वाली बात रहेंगी। और शरद पवार जी ने जो है वो हिसाब से सारा फील्डिंग तो लगाई है, उनका परिवार पहले तो उनके साथ में नहीं था अजीत पवार का, लेकिन अभी अजीत पवार के परिवार में यानी पवार साहब के परिवार में भी जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर सारे वन साइड हो गए थे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए हैं थोड़े बहुत, तो आ भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही उनका मार्जिन रहेगा, इसलिए वो बोलना बड़ा कठिन है। और 23 तारीख को यानी परसों के रोज ये है, लेकिन अगर अजीत पवार हार जाते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि उनके पॉलिटिकल करियर का दी एंड होगा। ये एक लास्ट सवाल है कि यहाँ पे देखा जाए तो इसके पहले जितने भी इलेक्शंस हुए इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी को बीजेपी की बी टीम मानी जाती थी, अभी मनसे भी यहाँ पे उतरे, लेकिन अभी तक मनसे का पता नहीं चल रहा है मनसे किसके साथ जाएगी, वो तो खुलेआम ऐलान कर रही थी कि हम जब चुन के आएंगे तब बीजेपी या महायुति के साथ जाएंगे, क्या लगता है इसमें कुछ मनसे या वंचित में कुछ ये भाजपा का कोई खेल तो नहीं है? नहीं नहीं, इसमें कोई शंका पकड़ने वाली बात ही नहीं है, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो भाजपा की बी टीम करके ही काम कर रही है, लेकिन उनका थोड़ा अभी लोगों के ध्यान में आने के कारण उनका जो वोट का परसेंटेज कम हो गया, इसलिए उनको सपोर्टिंग के हिसाब से मनसे को खड़ा कर दिया। और ये तो बात क्लियर हो गई है, मनसे के जो लोग हैं उनको यानी जैसे बाड़ा नांदगांव करके अगेंस्ट में बीजेपी वालों ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बातें तो क्लियर है ना, उसके अंदर छुपी हुई बात तो कोई है ही नहीं, ये मनसे जो है वो भाजपा के साथ में ही है। तो लेकिन और भी एक बात बताता हूँ मैं आपको, महाराष्ट्र में इस बार जो है ये सबसे ज़्यादा जो ये जो है यानी निर्दलीय वो ज़्यादा चुन के आएंगे, क्योंकि देखिए 2,080 लोग निर्दलीय खड़े हैं इस बार, एवरेज अगर 288 से तुलना में अगर इनको करे तो 7 निर्दलीय हर चुनाव क्षेत्र में खड़े हैं, तो ये उसके बाद में मनसे के भी बहुत से लोग खड़े हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी ने करीब करीब 200 जगह पे अपने उम्मीदवार खड़े करे हैं। ये सारा देखते हुए मैं आपको और भी बताता हूँ कि करीब करीब 30 लोग जो है इस बार 25 से 30 लोग तो अपक्ष चुन के आएंगे इस बार, उसी के ऊपर बीजेपी की दारोमदार रहेंगी, अगर बीजेपी को थोड़े बहुत सीट कम मिलते हैं तो वो इनसे खरीद लेंगे, इनकी खरीद फरोश करेंगे। घोड़े बाजार तो आपने देखा है किस तरीके से 2022 में हमारा सूरत वाया गुवाहाटी वगैरह किस तरीके से गया गोवा, तो वहाँ पे 50 खोके एकदम ओके, इस तरीके से वो सारे को खरीद के वो अपनी सत्ता लाने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अगर इनको क्लियर मेजॉरिटी मिलती है महाविकास आघाड़ी को, तो वो उनका गेम फेल हो जाएगा,
क्योंकि तीनों में से तो कोई कटने वाले नहीं है, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। तो रिबेल जो है करीब करीब, रिबेल और अपक्ष ये पकड़ के जो है करीब करीब 25 से 30 लोग खड़े चुन के आएंगे। उसके बाद में मन से जो है वो 3 से 4 सीटों पे आ जाएंगी। वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो 6 से 7 सीटें जीतेंगे। शेकअप एखादे बार एखादी सीट जीत सकता है। और महापरिवर्तन आघाड़ी जो बनी है हमारे महाराष्ट्र के अंदर 3-4 पार्टियां मिला के या अपक्ष पार्टियां मिला के, तो करीब करीब 5 से 6 सीट वो लेंगे, यानी करीब करीब 45 से 48 सीटें इनको मिलेंगी ऐसा दिखता है। तो इसी के ऊपर ये बीजेपी वालों का बड़ा गेम रहेगा। लेकिन अगर इनको क्लियर मैंडेट मिलता है महाविकास आघाड़ी को, तो ये इनका ये हो जाएगा। लेकिन अगर उनको काटी की टक्कर हुई 145-150 ही मिले, तो एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ धोखा, कि आपको इलेक्शन की तारीखों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने टाइम टेबल बनाया, देखो 20 तारीख को यानी कल ही हमारा यहाँ पे वोटिंग हुआ, परसों अभी 23 तारीख को काउंटिंग है, और 23 तारीख को दोपहर को 12 से 2 बजे तक के सारी पोजीशन क्लियर हो जाएंगी। तो उसके बाद में 25 तारीख जो है हमारे यहाँ पे जो विद्यमान सरकार है उसका आखिरी का दिन है, तो वो इमीडिएटली अगर वो तब तक के सत्ता नहीं बनती है कोई कारण से, तो वो रात को गवर्नर रूल लागू हो जाएगा। और गवर्नर रूल लागू होने का मतलब ये है कि बीजेपी के लिए फिर तो खुला मैदान है खरीद फरोश करने के लिए। तो इसीलिए बातें ऐसी है कि अगर इनको 145-150 सीट मिलती है, कम यानी बॉर्डर पे मिलती है, किसको, महाविकास आघाड़ी को, तो ये निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खेला कर देंगे। 2 दिन ऐसी वेस्ट करेंगे, रात को 12 बजे 25 तारीख को ये गवर्नर रूल राष्ट्रपति राजवट लागू कर देंगे, और फिर बड़ा हमारे महाराष्ट्र के अंदर घमासान होगा। लेकिन अगर इनको 160 सीटें मिली, 155-160 यानी क्लियर मेजॉरिटी अगर मिलती है, तो फिर राज्यपाल के तरफ गवर्नर के तरफ कोई विकल्प नहीं रहेगा इनको शपथ विधि देने के सिवा। तो ये एकंदरीत ऐसा चित्र है हमने आज देखा है। हमारे साथ थे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पोहरे जी, इन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बताया। कुछ घंटे बचे, बस कुछ घंटे के बाद यहाँ पे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इस रिजल्ट को हम देशोन्नति के माध्यम से पूरे दिन लाइव दिखा रहे, और आज पोहरे साहब ने जो कहा है यहाँ पे महाविकास आघाड़ी आने की शंका है, लेकिन अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, राष्ट्रपति राघवर भी यहाँ पे लग सकती है। कैमरामैन मिथिल तेरसे के साथ स्वप्निल दुधारे, देशोन्नति न्यूज़।